बताओ, घर से निकले थे राइड के लिए और जिस बाइक पे निकले थे उसी का इंजन खुलवा के बैठे हैं। सो तो ये बाइक ऐसे जाती है चुटकी मारते ही, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें रेड कलर के फ्लावर हो, बीच में दो पेड़ उगे हुए हैं। व्हीली व्हीली मारूं? छोटी सी मारूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी चलेगी। ठीक है, छोटी मारता हूँ। तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट था, हमें रुकवाया बिकॉज हम थोड़ा स्पीड से आ रहे थे, इनको दूर से ही बाइक की आवाज़ सुनाई देगी। तो अभी इस होटल में रूम खाली नहीं था, लेकिन अभी हो गया। अभी मैं एक बार रूम में पहुँच जाऊँ, फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। बड़ी ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा। तो भाई सीन ऐसा है, एक बैग हम ये वाला लेके जा रहे हैं जिसके अंदर हमारा सारा लैपटॉप, हमारी चार्जिंग केबल, हमारा ड्रोन, ये सब आएगा। अभी सब चार्ज हो रहा है, हमारी वीडियो रेंडर हो रही है, रेंडर होने के बाद रस्ते में अपलोड कर लूँगा। और यहाँ हमारा ब्लूटूथ चार्ज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें मैं चार्ज कर चुका हूँ। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं ना, ये वाला जो बैग है ये बाइक के पीछे बांधेंगे, और जो नया वाला बैग है उसके अंदर सारी मेरी एक्सेसरीज़ हैं, तो वो मैं कंधे पर टांग के जाऊँगा अपने शोल्डर पर। अरे बाइक तो वहाँ खड़ी, पहले बाइक यहाँ लानी पड़ेगी। सोच रहा हूँ ना, ये बैग को ऐसे बांधूं या ऐसे बांधूं, वैसे ऐसे बांधूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अपना बैग सेट एक बार टेस्ट कर लें। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट। अब अपने को सिर्फ राइडिंग गियर पहनने और गायब हो जाना है। और हाँ, आज हम जा कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं यहाँ से धरान, कम से कम 10 घंटे का रास्ता है, 350 किलोमीटर। और हम करने के वाले हैं, हम पूरा नेपाल ईस्ट टू वेस्ट मारने वाले हैं। ईस्ट जाएंगे, ईस्ट से चलते हुए वेस्ट जाएंगे, वेस्ट से फिर घूम के, मतलब पूरा सर्कल। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे ऐसे नज़ारे दिखने वाले हैं ना, आप बोलोगे भाई क्या ही कर दिया। नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी, मेरा हेलमेट रह गया, ये वाला बैग रह गया और सिर्फ राइडिंग ग्लव्स रह गए। और तुम्हारा भाई एकदम रेडी है राइड के लिए। पहले हमारा प्लान था धरान जाने का, प्लान में हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया बिकॉज निकलते निकलते लेट हो गए, 11 यहीं बज चुके हैं। एक आधा छोटा मोटा काम है रास्ते में, वो निपटाना है, सैम को अपना हेलमेट उठाना है। तो प्लान में चेंज ये है, आज हम जा रहे हैं सिंगुली घड़ी तक, वो है 150 किलोमीटर। 7-8 घंटे लेंगे वहाँ पहुँचने में। अरे हमारा दोस्त भी है यहाँ पर, आवाज़ मार रहा है, मेरे से मिला नहीं आज तू। कैसा है भाई? पहले सूंघ रहा अच्छे से। हो गया, हो गया। हेलो कर, हेलो 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 हेलो। ये बाइक भी अपनी पूरी रेडी है, ड्यूक भी रेडी है, बुलेट भी रेडी है, अपनी सीआरएफ भी रेडी है, लेट्स गो। अरे रे, राइडिंग पैंट के साथ पैर ही ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन सही है, सेफ्टी ज़रूरी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई काठमांडू से निकलते निकलते अपने को 2-3 घंटे और लगने वाले हैं, बिकॉज बुलेट में सैम बता रहे कुछ काम आ गया है। अपनी बाइक तो एकदम रेडी है, रात को ही पूरी रेडी करा ली थी। ओ भाई मेरे, ऐसे सुट्टे जलेंगे तो कहाँ पहुँच पाएंगे हम। ये सामने वाली रोड देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है, ऐसे ऊपर जा रही है। और ये मोबाइल माउंट को थोड़ा मेरे को ठीक करना पड़ेगा, अभी आगे रुकते हैं ना तो थोड़ा इसको थोड़ा एडजस्ट करके लगाता हूँ। और अभी टैंक भी फुल करवाना है, जहाँ से टैंक फुल करवाऊँगा ना मीटर भी ज़ीरो कर दूँगा, एक तो पता लग जाएगा कि पूरी राइड पर हमारी बाइक कितनी चली है और टैंक फुल में कितनी चलती है, दोनों चीज़ें नोट हो जाएंगी। अच्छी खासी तगड़ी हवा चल रही है, कल रात को जब मैं बाइक ठीक करवा रहा था ना बारिश चालू हो गई थी, फिर हमें ये भी डर था कि सुबह मौसम ना ख़राब हो, अगर तगड़ी बारिश होगी तो निकल नहीं पाएंगे टाइम से। अरे तो अभी टैंक रिफ्यूल करवाएंगे और उसके बाद ट्रिप को ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद क्या अभी कर देता हूँ यार। ओ भाई ये ज़ीरो कैसे होता है, इससे होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ट्रिप ए 0 किलोमीटर, फुल कर दो बस। अपना टैंक हो गया फुल। एक चीज़ और बता दूँ, जो इसका टैंक है ना भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 7.7 लीटर। अब आप सोचोगे भाई 7.7 लीटर में इस बाइक को मैं इंडिया कैसे लेके आऊँगा, लेकिन इसकी एवरेज अच्छी है। मेरे ख्याल से ये 150 किलोमीटर चलनी चाहिए 7 लीटर में, मेरे ख्याल से। बाकी अभी नोट करूँगा, आपको आज आज में बता दूँगा कितनी चली। अरे मेरी बाइक गंदी हो गई, साफ 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 साफ। एम्बुलेंस को तो जगह दे दो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? टैंकी ही टैंकी 1000 लीटर। तो भाई अभी हम यहाँ पर रुके हैं, कोई बंदा है सैम का हेलमेट लेके आ रहा है, हेलमेट चेंज करेगा। ओ सैम, तेरी राइडिंग जैकेट कहाँ है? नहीं लगाऊंगा। ये देखो
मेरे को लगता था ऐसे राइडर खत्म हो गए, लेकिन अभी भी इस दुनिया में हैं ऐसे राइडर जो टी शर्ट में निकल पड़ते हैं लॉन्ग राइड करने के लिए। सैम ने हेलमेट चेंज कर लिया, कितने का हेलमेट है ये? हाँ 20,000, 20,000 का हेलमेट पहना है। सर की सेफ्टी जरूरी है यहाँ की। ओह माय गॉड, आज मैं सैम के अच्छे से लेकर आऊँगा। भाई राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जब मैं घर से निकल रहा था मैंने इसको 4-5 बार ही बोला कि राइडिंग गियर पहन ले, और इसके पास हैं। अरे गर्मी है मैं नहीं पहनूंगा भाई, गर्मी से ज़्यादा सेफ्टी जरूरी है। अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम हाईवे पकड़ने वाले हैं, अभी बुलेट में कुछ काम करवाना वो करवाने जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है राइड के लिए हम शायद कल ही निकलेंगे, मतलब ऐसा वो अंदर से फील नहीं आता कभी कभी। टाइम बताऊँ 12:45, अब चलेगा यहाँ पर बुल्ट का काम। किसका काम? बुल्ट का, बुलेट नहीं, बुल्ट। चलो भाई आज की राइड यहीं पे ख़त्म होती है, हैप्पी एंडिंग। तो भाई राइड शुरू होते ही कांड हो गया, चेन स्प्रॉकेट चेंज होगा, बूस्ट चेंज होंगे, ब्रेक पैड भी ख़त्म है ना, ये सब काम हो गया सब, ब्रेक पैड भी ख़त्म है, ये भी चेंज होंगे, आगे हेडलाइट का बल्ब भी चेंज होगा। मेरे को लग रहा है ये बाइक ही चेंज करने वाली है। ऐसे तो ना हो पाएगी राइड, कम से कम 2-3 घंटे यहाँ लगने वाले हैं, 3-4 यहीं बच जाएंगे, आगे 150-200 किलोमीटर जाने कहाँ ही जाएंगे। बताओ घर से निकले थे राइड के लिए और जिस बाइक पे निकले थे उसी का इंजन खुलवा के बैठे हैं। सही है भाई, जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे हम। और यहाँ चल रही है भाई अपनी ऑरेंज। उठो जरा, उठो उठो, 2 बज चुके। इसका मतलब 2 बज गए। कितनी देर हो चुकी है आपका? इतनी बढ़िया भाई, घर पे भी नींद नहीं है जितनी यहाँ पर आई है। थैंक यू। अब नींद तो खुल चुकी है, लेकिन सुबह वाली पावर में वापसी आने के लिए एक कॉफी तो बनती है। मतलब जो सुबह जोश था ना, और राइड पे जा रहे हैं राइड पे जा रहे हैं, अभी वो एकदम से आधा हो गया। 1-1.5 घंटा तो मैं यहाँ पर आराम से सोया हूँ। वाह वाह वाह, मोमो, आई वांट माय मोमो। सो द टाइम इज 4:04, और एक बार फिर से निकलने की तैयारी। जहाँ हमें पहुँचना है मैंने पहले ही बताया था 150 किलोमीटर है, कम से कम 6-7 घंटे लगने वाले हैं। अभी रात रात को बाइक चलाएंगे। चलो अच्छा है, अपनी बाइक की ना लाइट भी टेस्ट हो जाएगी, लाइट बढ़िया है कि नहीं है। कसम से कह रहा हूँ भाई, बाइक इतनी बढ़िया लग रही है ना, इतनी बढ़िया बस मेरी नज़र ही ना लग जाए। और जो रैक लगवाया पूरा कामयाब है। ओ भाई अब सही है, अब सीट पर पैर नहीं लगा। चले भाई, सुबह 11 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक काठमांडू में ही घूम रहे हैं राइडिंग गियर्स में, और 4:10 हो चुके हैं अब निकल रहे हैं। ये अच्छा है कि मौसम बढ़िया मिलेगा, वैसे भी यहाँ पर मौसम बढ़िया ही है, दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है, 21-22 टेम्परेचर है। हाँ थोड़ी ठंड मिलेगी अब। मेरे को तो ऐसा लग रहा है काठमांडू से निकलना ही मुश्किल होगा। कैसे हो? सही है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी सबको नेपाल में पता, हमने ये वाली बाइक ली हुई है, सब्सक्राइबर दूर से पहचान लेते हैं यहाँ भाई ये तो प्रभजोत है, और ऊपर से पूरे राइडिंग गियर पहने हुए हैं ना, तो भाई ऐसे तो हम ही घूमते हैं। हेलो, हम जहाँ जाते हैं हमारे दोस्त मिल जाते हैं। तो भाई सीन ऐसा है, अभी हमने करीबन 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और हमने चाय ब्रेक ली है। ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, 30 किलोमीटर कवर करे तो हमने एक चाय ब्रेक ले लिया। ये ना एक्चुअली इनका अड्डा है, मतलब ये बाइकर्स का, जैसे अपन दिल्ली से निकलते गुड़गांव चले जाते हैं या नोएडा चले जाते हैं, कोई अड्डा होता है ना बाइकर लोग बैठते हैं वहाँ पर। तो भाई अभी यहाँ पर मसाज का सेशन चालू हो गया, उसको भी मजे आ रहे हैं। ये पिटबुल है, जितना दिखने में प्यारा है ना बॉडी छोड़ी वाला, उतना ही खतरनाक भी होता है, अगर पकड़ ले छोड़ता नहीं है। लेकिन ये हमारा दोस्त बन गया, इसका नाम है कुच्ची, कुच्ची पुच्ची फुच्ची, जो ले लेगा सबकी पुच्ची। तो यहाँ आ चुकी है हमारी चाय। चलो भाइयों चेयर्स है, हमारी राइड के नाम। तो आज हमारे साथ साथ पुच्ची भी बिस्किट खा रहा है। ले भाई मजा आ गया, पार्टी हो गई है, पार्टी, लेट्स गो लेट्स गो। तो अभी आगे से भी उतरने की जगह, तो आगे से नीचे उतर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। और अभी यहाँ से हमारा रास्ता, जो आज वाली हमारी डेस्टिनेशन है, वो रहती है कोई 100-110 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है 5:30। अब आइए ना अपनी मनपसंद रोड, जो पहाड़ों में ऐसी ऐसी रोड होती है ना, उसमें बाइक चलाने में ज़बरदस्त वाला मज़ा आता है। मौसम भी हल्का हल्का और ठंडा हो गया है, अभी इस बाइक में टेम्परेचर तो आता नहीं है। हाँ किलोमीटर बताती है कि हमने 55 किलोमीटर चला लिए जहाँ से पेट्रोल डलवाया था।
अभी मैं ना इस बाइक से यूज टू हो रहा हूँ, ये ना हो ज़्यादा लेट आऊँ और लेट ही जाऊँ। धीरे 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 20 30 50 किलोमीटर चला लूँगा ना, उसके बाद एकदम कंफर्टेबल हो जाऊँगा, फिर भाई लेटा लेटा के मोड़ेंगे बाइक को। देखो अभी तो अपने को गूगल मैप की जरूरत है नहीं, सेम बना हुआ है मेरा गूगल मैप। हाँ ये मैंने इसलिए लगवाया, दिल्ली जाता हूँ इसकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ फ़ोन में चार्जिंग खत्म हो गई, बिकॉज मैं आजकल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो चार्ज करने में काम आएगा। सही है, अभी हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, व्यू एक नंबर है। और अभी मैं सोच रहा हूँ इस बाइक का नाम क्या रखूँ, मतलब कुछ ऐसा सा रखना है जैसे अपना मूड ख़राब होता है ना बाइक पे बैठ के एकदम मूड ठीक हो जाता है, तो ये मेरे को ऐसी बाइक लग रही है। वैसे तो हर बाइक पे ऐसा होता है, 1250 पे भी ऐसा ही होता है, 3000 पे भी ऐसा होता है, लेकिन ये इतनी लाइट बाइक है ना, इसको चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भी भाई पहाड़ वहाड़ कोई भी मतलब ऑफ रोड रास्ता आएगा, ऐसे शाएं शाएं करते हुए निकल जाऊँगा। तो कुछ सोचता हूँ, 2-3 दिन लेता हूँ, तब तक आप भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या नाम रख सकता हूँ इसका। पहाड़ों में मैं इस बाइक के साउंड को ना और ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा हूँ। एक स्टोरी बना लूँ, आगे पीछे लगा लो, उड़ जाओगे नहीं तो। तो ये जितना भी रूट है ना, मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया रोड है भाई। बीच में हल्के फुल्के बम्प है, हल्का फुल्का ऑफ रोड आता है, मतलब कह सकते हैं 90% बढ़िया रोड है, 10% थोड़ी ख़राब है। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, 2-3 लीटर ना पेट्रोल साथ में रख लेता हूँ, बिकॉज मेरे को इसकी प्रॉपर एवरेज पता होनी चाहिए, नहीं तो मेरे को दिल्ली जाते हुए ना दिक्कत होने वाली है। तो अभी तो 81 किलोमीटर चल चुकी है। ओहो, ये ऐसे ऑफ रोड पे जो बीच में एकदम से आ जाते हैं ना, अभी तो 81 चल चुकी है, मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर और चलेगी, हो सकता है 200 भी चल जाए, मेरे को आइडिया नहीं है। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, तो ये बाइक ऐसे जाती है चुटकी मारते ही। और बता दो इसमें 6 गियर है, 5 गियर नहीं है। देखते ही देखते अंधेरा भी होने वाला है। टाइम 6:32 यहाँ के हिसाब से, जो इंडिया है ना वो 20 मिनट पीछे है या आगे है, मतलब आगे पीछे है लेकिन सिर्फ 20 मिनट है। कितनी अच्छी सी लोकेशन लग रही है ना, दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। और ये वाला पेड़ देख रहे हो, मतलब कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें रेड कलर के फ्लावर हो, बीच में 2 पेड़ उगे हुए हैं। सही है भाई, यही तो पहाड़ों में घूमने का मज़ा आता है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दिखती रहती है। और आई डोंट नो ये कौन सी नदी है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, हमारे साथ साथ जा रही है। सही लग रहा है, चलो बाय बाय सबको, फिर मिलेंगे। ये या, इतनी तेज मार दिया भाई। सही है, बच्चा खुश हो गया। चले भाई, वीली मारूं, छोटी सी मारूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी चलेगी, ठीक है छोटी मारता हूँ। सही है, बच्चे खुश हो गए। वीली तो मैं लॉन्ग भी मार दूंगा, लेकिन नहीं भाई, अभी नई बाइक के साथ कोई रिस्क नहीं। अभी चश्मे की जरूरत मेरे को क्यों थी जनवन बताऊं, बिकॉज ये वाला जो मेरा गॉगल है ना जो मैं लगाता हूँ, इसका फ्रंट ग्लास ऑरेंज कलर का है, दिन में तो बहुत बढ़िया काम करता है, धूप बिल्कुल भी आंखों में नहीं लगती, लेकिन अभी के लिए मेरे को ये चाहिए था वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट। चलो बाय बाय, चलो। तो इसमें भाई लाइट की तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी, अब वापसी जब काठमांडू पहुँचेंगे ना, जितने दिन बाद भी पहुँचते हैं उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें लाइट लगवाता हूँ एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ अभी पेट्रोल डलवा लूँगा तो बाइक की एवरेज कैसे नोट करूँगा, अभी नहीं, अभी तो 100 किलोमीटर चली है, मेरे को कम से कम इसकी एवरेज तो पता लगे टैंक फुल में कितनी चलती है। इनके पास 2-3 लीटर की कोई बोतल है, बोतल में डलवा के मैं अपने पास रख लेता हूँ। कोई 2 लीटर वाला बोतल मिलेगा खाली, हाँ पेट्रोल डालना है, हाँ ये चलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल थी, चलो ये अच्छा उन्होंने बोतल तो दे दी, पानी अच्छे से सूखना चाहिए। ओ, 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 सुखाते सुखाते बोतल ही फेंक दी। निकल गए, अभी निकले वो आगे, आवाज भी मारी मैंने, सुना ही नहीं उन्होंने। बस अब सेट हो गया ना, अब कहीं नहीं जाएगा ये। पीछे मौसम ठंडा था, यहाँ गर्मी हो गई है। अब ये तराई मतलब सीधा सीधी वाली रोड, तो आगे गर्मी मिलेगी अब, बहुत ही बढ़िया। अच्छे वाले ठंडे मौसम में बैठे थे, अब गर्मी में जा रहे हैं हम।
तो ये हम थे मूलकुट में और पहले प्लान कर रहे थे यहाँ रुकते हैं, लेकिन उन दोनों को कॉल किया, वो कम से कम 15 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको वापसी बुलाएंगे, 15 वापसी आएंगे, 30 किलोमीटर पे फालतू में उनको पड़ेगा, फिर सुबह 15 वापसी जाएंगे, इसलिए हमने उनको बोला धीरे धीरे चलते रहो, हम तुम्हें पकड़ते हैं। ये हम थे मूलकुट में, अब जा रहे हैं हम सिंगुली। ओ भाई, दीवार पे शीशे ही शीशे टंगे हुए हैं। तो भाई यहाँ की स्टोरी क्या है ना, देख रहे हो सारे के सारे शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी निकलती थी ना तो उसको लगता था रोड सीधा जा रही है, रोड ऐसे घूम रही है, और यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। तो अगर आप देखोगे ना, हर शीशे पे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर, जैसे ये देखो 4492, हर शीशे पे नंबर है। तो कहते हैं कि भाई शीशे पे नंबर लिख के अगर आप यहाँ लगा लोगे ना तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो चली जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, इसलिए लोग यहाँ से निकलते हैं, शीशे पे नंबर लिख जाते हैं। और यहाँ पर मंदिर बना दिया ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह ना हो, यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते थे, मतलब वो दीवार से लेके वो आगे तक पूरे मिरर ही मिरर है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इस रोड पे एक्सीडेंट होते थे तो शीशे क्यों लगाए हैं, शीशे इसलिए लगाए हैं ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी पड़ती है ना यहाँ पर वो बाउंस बैक हो जाए, और आगे तक लगे हुए हैं। गोप्रो में तो क्या ही नज़र आएगा, थोड़ी लाइट मारूं, ये देखो लाइट में नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर आके एंड हो रहा है, ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये लाइट के नीचे यहाँ पर ख़त्म। रोड अच्छी थी तो हमने थोड़ी बाइक भगाई, किरण और स्टैन को पकड़ लिया हमने, हमने इनको ही बोला था थोड़ा स्लो चलो, हम थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। और अभी अपने को यहाँ से 48 किलोमीटर जाना है और हमारी बाइक चल चुकी है 128। अब देखते हैं 48 इसी टैंक में चलती है कि नहीं चलती, अगर नहीं चलेगी तो पेट्रोल डाल लेंगे, पता लग जाएगा एग्जैक्ट कितनी चलती है फुल टैंक में। और हाँ जी, इंडिया से कैसे आया हूँ? अच्छा, तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट था, हमें रुकवाया बिकॉज हम थोड़ा स्पीड से आ रहे थे, इनको दूर से ही बाइक की आवाज़ सुनाई देगी कि कुछ तो आ रहा है तगड़ी स्पीड से, बिकॉज रोड बिल्कुल सीधी सीधी है। उन्होंने रोका, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करे, लाइसेंस चेक करा, आरसी बुक चेक करा, नाम वाम मिलाया और कह रहे जाओ मौज लेते जाओ, लेट्स गो। ये कौन सी जगह है? ओके, खुरखोट। सो दिस इज खुरखोट, सही है। लेकिन अपने को आज किसी भी हालत में सिंडुली पहुंचना ही पहुंचना। मुबारक मुबारक मुबारक। अब इसने ब्रेक के मार ली, और पहले मैं बता दूं मुबारक क्यों दे रहा हूं, बिकॉज हमारी बाइक ने कंप्लीट कर लिया है 150 किलोमीटर, 150.8 चल चुकी है, अभी पेट्रोल बचा हुआ है, देखते हैं 160-170 कितनी चलती है। जो हमारा रिजॉर्ट है ना जहाँ हम रुकने वाले हैं वो बिल्कुल टॉप पर है, सुबह ड्रोन उड़ाऊंगा ना आपको ऐसे वाला फील आने वाला, आप बोलोगे भाई क्या ही जगह है, मजा आएगा। तो भाई अपने साथ एक सीन हो गया। सीन क्या हुआ? होटल पूरा बुक है। हाँ भाई, फ्राइडे पूरा बुक रहता है, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। और अपने को तो पता था अपने को यहाँ रुकना, तो फोन करके बुक नहीं कराया हमने, नाम ही नहीं पता था और गूगल मैप में नाम ढूंढने से नहीं मिला, वो लोकेशन ही नहीं दिखा रहा था। अब चलेंगे बर्दिवस का हाईवे। बर्दिवस हाईवे, हाईवे। ओके, टाइम क्या हुआ? टाइम 9:41 भाई। तो भाई 9:41 हो चुके हैं और हम यहाँ से निकलने की तैयारी में थे, हेलमेट वेलमेट पहन लिए हैं, तो एकदम से सैम को आ गई पॉटी। अब वो इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के पॉटी करने गया, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर तो रूम नहीं है, यहाँ से 1.5-2 घंटे हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद एक बढ़िया होटल है वहाँ रूम मिलेगा, 2 घंटे और बाइक चलानी पड़ेगी, रात को 12-1 बजे पहुँचेंगे। तो अभी इस होटल में रूम खाली नहीं था, लेकिन अभी हो गया, अभी मैं एक बार रूम में पहुँच जाऊँ फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ, बड़ी ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा। अगर सैम भाई को पता होता बाइक ऊपर आती है तो सैम भाई पैदल ना आते पॉटी करने। सो दिस इज अवर स्वीट रूम, और ये दोनों बेड को जोड़ दिया जाएगा, इस पे 3 बंदे आ जाएंगे, 1 बंदा इस पे आ जाएगा, और अभी मैं आपको स्टोरी बताऊं। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना, सैम और शेन ऊपर आए थे, सैम को पॉटी आई थी, तो शेन ने हेलमेट पहना हुआ था, तो होटल वालों ने पूछा जो यहाँ का ऑनर है कि कहाँ से आ रहे हो आप, इन्होंने वहाँ से आ रहे हो, पहले वही नीचे था हमारे से बातें बातें करी, उसको ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो शेन ने बताया कि हमारे साथ यूट्यूबर है, उसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये है वो है, उनकी आँखें ऐसे, अच्छा फिर उनको लगा कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर उनके पास रूम अवेलेबल था, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि रूम के जो गेस्ट थे ना हमने उनको नीचे भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता जिसका रूम होगा उसको नीचे भेज देंगे, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी हुई, उन्होंने एट दी एंड हमें रूम दे दिया, उन्होंने लगा ठीक है आप सामान लेके ऊपर आ जाओ, रूम है। स्टेन भी हैरान, भाई अभी बंदा नीचे खड़ा था 15 मिनट, हमने उससे बातें करी, रिक्वेस्ट करी, हमने कुछ नहीं बताया तब कि भाई रूम दे दो, तब उन्होंने मना कर दिया एकदम से, कह रहे रूम है, चलो ठीक है यार एट दी एंड
कुछ तो फायदा हुआ यूट्यूबर होने का, रूम मिल गया रात को सोने के लिए, नहीं तो हम तो पूरा तैयार हो चुके थे कि 150 किलोमीटर बाइक और चला के सीधा धरान ही पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, आराम आराम करते हैं, अभी डिनर करेंगे उसके बाद। तो ये आ गया अपना डिनर, चावल की ढेरी, आलू भिंडी सैलेड, और ये भी कोई सब्जी है, और ऑमलेट है, और अभी चिकन भी आ रहा है चिक्की। अब सारा सामान पूरा हो गया, अब खाना शुरू कर सकते हैं। तो डिनर हमने कर लिया, अपने रूम में आ चुके हैं, अभी हम बैठेंगे वीडियो एडिट करने के लिए। और आज तो अपने साथ ऐसा हुआ ना, शुरुआत में हमें हल्की हल्की ठंड लग रही, फिर बीच में मौसम इतना गर्म हो गया, अभी यहाँ पर मौसम फिर से ठंडा है, इसलिए जैकेट पहन के डिनर करने गए थे। अभी हम हैं सिंधुली में, और यहाँ से जहाँ हमने जाना ना धरान, वो है 250 किलोमीटर। तो सुबह टाइम से निकलेंगे, टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे, आज निकलते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। बाकी होप करते हैं आपको इस वाली वीडियो में मजा आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो ना, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते थे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। और हाँ, ये वाली जो सीरीज है ना, ये कम से कम 10 से 12 दिन की रहने वाली, और रोज आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाएंगे, बिकॉज ये जो रूट है ना मेरे लिए भी बिल्कुल अलग है, मैंने इस पे ट्रैवल नहीं करा, और बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, बहुत कुछ, मतलब कुछ चीज तो मेरे को पता है लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ दिखाएंगे, आपको मजा आता रहेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।